बजट दिल्ली का रूप दिया गया, उस पर क्या कहेंगे केंद्र सरकार के ऊपर आप लोगों ने चिपे आरोप लगाए? देखिए, हम लोग कहते थे कि भाई जिस प्रकार से मोदी सरकार काम कर रही देश में, असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है, एक हिटलर शाही है, आज उसका प्रमाण मिल रहा है आपको। एक चुनी हुई सरकार का बजट रोक लेना, ये बहुत बड़ा अपराध है, ये संवैधानिक अपराध है। और दिल्ली की जनता की जो मैंडेट है, दिल्ली की जनता ने 4 बार केजरीवाल जी को मैसिव मैंडेट दे करके ये आदेश दिया कि आप दिल्ली में काम करें और दिल्ली वासियों के लिए भला जो कुछ भी कर सकते हैं, शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से। अब ये किस प्रकार से हताहत हैं केजरीवाल जी के गुड गवर्नेंस से, वो दिख रहा है आप। तो आज इन्होंने मूल पे चोट किया है कि आपका बजट ही पास नहीं होने देंगे, ना बजट पास होएगा, ना शिक्षा पे काम कर पाओगे, ना स्वास्थ्य पे काम कर पाओगे, ना दिल्ली वासियों के लिए बिजली सस्ता कर पाओगे। यहाँ तक कि दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को अब वेतन नहीं मिल पाएगा। तो ये तो बहुत बड़ा कुठाराघात है। और मैं दिल्ली के और देश के हर जनता को कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मोदी सरकार काम कर रही है, वो दिन दूर नहीं जिस दिन संविधान को उठा के फेंक दिया जाएगा, बोलेंगे हम राजा हैं यहाँ के। तो हम सबको जग जाना चाहिए। और जिस प्रकार से पूरे देश में आप कहीं भी चले जाओ, एक भी व्यक्ति खुश नहीं है। महंगाई देख लो, अनएम्प्लॉयमेंट देख लो, क्राइम देख लो, एक से एक बढ़कर के अपराध हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये हाई टाइम है हम सबको जगने का कि क्या देश में डिक्टेटरशिप आ गया है। उसका प्रमाण आपको दिल्ली का बजट रोक करके मोदी सरकार ने दे दिया है। दिल्ली वासियों को दिक्कत होने वाली है सर? देखिए, दिक्कत तो होगी, लेकिन इस दिक्कत का जो श्रेय जा रहा है मोदी जी को, वो उसको सबको बताना जरूरी है। लेकिन हम लड़ेंगे और दिल्ली का बजट पास करवाएंगे। नेचुरल सी बात है, चूँकि वो जितने भी आपके स्कीम्स हैं, स्कीम्स तो छोड़ दीजिए आप, जो दिल्ली सरकार के कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल पाएगी, बहुत बड़ी मुसीबत है। तो ये इस प्रकार की हरकतें हम सब कहते थे पहले शब्दों में, आज आपको प्रमाण दे रहा, प्रमाण दे दिया इन्होंने अपने हाथ से कि दिल्ली सरकार का, चुनी हुई सरकार का बजट रोक करके आप कह रहे हैं कि जी आपने दिखा दिया किस प्रकार से अलोकतांत्रिक है। ये कह रहे हैं कि बजट आपका एडवर्टीजमेंट का ज़्यादा है। अरे भाई, पूरे दिल्ली में देख लो जाकर के, ये योगी आदित्यनाथ जी का ऐड लगा हुआ है पूरे दिल्ली में। क्या कर रहे हैं उनका ऐड यहाँ पे? और हमारा कोई ऐड का बजट ज़्यादा नहीं है, जो साल पहले, जो पिछले साल था वही इस साल है। लेकिन इनको अपनी मनमाना करनी है, इनको किसी न किसी प्रकार से, जो इनको फोबिया हो गया, केजरीवाल फोबिया, इनको दिन में भी सपने में भी आते हैं केजरीवाल जी, रात को भी आते हैं कि भाई यही एक आदमी है जो रोक सकता है हमें। तो 24 में अगर कोई खतरा मोदी जी के लिए है तो केजरीवाल जी हैं, और वो इस प्रकार की हरकत करके बता रहे हैं।